हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टफ। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू बिकम ए अटैकिंग बैट्समैन। अटैकिंग बैट्समैन का जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है, कैसे आपको उसको उसके लिए प्रिपेयर करना है और कैसे उसको समझना है कि कैसे एक अटैकिंग बैट्समैन बना जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। डेफिनेटली एज अ बैट्समैन ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। एंड इसी के साथ ही अगर आप प्रोफेशनली ट्रेन करना चाहते हैं, अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पर क्वारी रेज करें, वहां पर आपको आंसर मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आज मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि जो अटैकिंग बैट्समैन होता है उसके बारे में मिथ क्या होते हैं लोगों के, या प्लेयर्स के क्या मिथ होते हैं। मिथ मतलब भ्रम जो होते हैं, जो नेगेटिव चीजें होती है। सेकंड चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अटैकिंग बैट्समैन कौन होता है। थर्ड मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है एक अटैकिंग बैट्समैन बनने के लिए। तो ये तीनों चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको क्या करना है, डायरी लेनी है और नोट्स बनाना शुरू करना है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर वन की बात करेंगे कि मिथ अबाउट अटैकिंग बैट्समैन। अटैकिंग बैट्समैन को लोग कहते हैं ना कि ये अटैकिंग बैट्समैन होता है, वो अटैकिंग बैट्समैन होता है। तो आज मैं आपको उसका भ्रम बताने वाला हूँ। वो क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स का मिथ ये है कि उनको ये लगता है कि अटैकिंग बैट्समैन वो होता है जो ग्राउंड में जाकर हर बॉल पर चौके छक्के मारता रहता है, जो मतलब जाते के साथ ही अग्रेसिव बैटिंग करना शुरू कर देता है, जो किसी को नहीं देखता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अग्रेसिव बैट्समैन नहीं होता है। अग्रेसिव बैट्समैन कौन होता है, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट। अग्रेसिव बैट्समैन वो होता है जो कंडीशन के हिसाब से अपने गियर को चेंज करे और अपनी टीम को जीत दिलाए अग्रेसिव खेलकर। उसको बोलते हैं एक अटैकिंग बैट्समैन और एक मैच विनिंग प्लेयर। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना एज अ बैट्समैन, मान के चलते कि आपने किसी मैच में अपनी टीम के लिए 100 रन बनाए बट आपकी टीम जीती नहीं, ऑन द अदर हैंड किसी और प्लेयर ने भी दूसरी टीम में 100 रन बनाए और उसकी टीम जीत गई, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना कि आपकी। तो ध्यान रखिएगा, आपको अटैकिंग बैट्समैन एक ऐसा अटैकिंग बैट्समैन बनना है जो टीम को जीत दिलाए। प्लीज कमेंट में लिखिए, मुझे ऐसा अटैकिंग बैट्समैन बनना है जो मेरी टीम को जीत दिलाए, अदरवाइज आपका अटैकिंग बैट्समैन बनने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी टीम को जीत दिलाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत रेज होता है, आप लोगों की नजरों में आते हो, आपका नाम बनना शुरू होता है और तब जाके आप खेलते हो। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको मेंटल लेवल पर और प्रिपरेशन लेवल पर किस तरह अपने आपको एज अटैकिंग बैट्समैन के रूप में तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज लिखिए जो आपको लिखनी है कि आपको अपना गेम आइडेंटिफाई करना है। एज अ बैट्समैन मैं किस तरीके का बैट्समैन हूँ, मुझे कमेंट के अंदर बताइए। आप एग्रेसिव बैट्समैन है, आप स्लो खेलने वाले बैट्समैन है, अभी आप किस तरह की बैटिंग करते हैं, आप टेक्निकलिटी पर ज्यादा जाते हैं, है ना, आप क्या करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अपने पेपर पे लिखिए, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है, मान के चलो अभी आप बिगनर हो या आपको नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप वो चीज करते चले जाओगे, अपने बेसिक को अच्छा करोगे, अपनी बैटिंग में ज्यादा मेहनत करोगे, तो आपको एक समय बाद पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके का बैट्समैन, ठीक है। तो इसे पता करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको तब भी दिक्कत आती है तो एक ऑप्शन और है, अपने कोच के पास जाकर बैठिए, वो आपको समझाएंगे कि आप किस तरीके के बैट्समैन हैं, ठीक है, आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, आपको सेकंड पॉइंट ये लिखना है कि आप मीडियम पेसर पे और स्पिनर पे किस तरह की बैटिंग करते हैं, आप कौन से शॉट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जब आप मीडियम पेसर के अगेंस्ट बैटिंग करते हैं, जब आप स्पिनर के अगेंस्ट बैटिंग करते हैं। दोनों चीजों में जाकर देखिए कि मैं मीडियम पेसर पे, मान के चलो कि मैं ड्राइव पे बहुत अच्छा हूँ, मैं कट शॉट पे अच्छा हूँ, मैं पुल शॉट पे अच्छा हूँ, मैं फ्लिक पे अच्छा हूँ, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, ये मुझे पता करना है, ठीक है। ये आपको पता करना है अपने बारे में, ये आप खुद पता करना पड़ेगा आपको। जब तक आप अपने सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे, आपको अपने बारे में एज अ बैट्समैन नहीं पता चल, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए कि मैं स्पिनर पे किस तरह की बैटिंग करता हूँ, क्या मेरा स्लॉग स्वीप अच्छा है, क्या मेरा स्वीप अच्छा है, क्या मैं सिंगल अच्छे रोटेट करता हूँ, क्या मेरा कट बहुत अच्छा है, क्या मेरा स्टेप आउट बहुत अच्छा है। तो आप ये चीज चेक करिए कि मैं किस तरीके की बैटिंग करता हूँ स्पिनर पे, और ऐसे वो कौन से अग्रेसिव शॉट है जो मैं किसी भी परिस्थिति के अंदर खेल सकता हूँ। आई रिपीट वंस अगेन, ऐसे वो कौन से शॉट है जिनको मैं किसी भी कंडीशन के अंदर खेल सकता हूँ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको आगे बताऊँ, ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंस जनरेट करना है कि आप किसी भी कंडीशन में उन शॉट्स को खेल सके, ठीक, ये आपको समझना है। तीसरी चीज समझते हैं कि आपको क्या करना है, आपको अपने नेट्स के अंदर, या ओपन नेट करते हैं या आप नॉर्मल नेट्स करते हैं, जो भी नेट्स करते हैं, आपको उसके अंदर रेंज हिटिंग करना शुरू करना है। रेंज हिटिंग में क्या क्या होता है, आप उसमें स्वीप शॉट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसके अंदर स्टेप आउट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसके अंदर बड़े शॉट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स हिटिंग की ड्रिल्स होती है बहुत सारी, उनको कर सकते हैं। आपके एकेडमी के अंदर बहुत सारे प्लेयर करते हैं, नहीं करते हैं, तो हमारी कुछ वीडियोज इसके ऊपर ऑलरेडी है और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, तो उनको आप जाके देख सकते हैं। 5 से 6 ड्रिल्स आप उनको फटाफट से करना शुरू करो, 3 मीडियम पेसर के लिए और 3 स्पिनर्स। जैसे कि अगर मैं मीडियम पेसर के बारे में आपको बताऊं तो आप कट शॉट की ड्रिल कर सकते हो, ठीक है, आप ड्राइव की ड्रिल कर सकते हो, आप पुल शॉट की ड्रिल कर सकते हो। इसी तरह स्पिनर पे आप स्लॉग स्वीप की प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टेप आउट की प्रैक्टिस कर सकते हो, कट शॉट की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपके रन आए, ठीक है। रोकना अलग चीज है, रन बनाना अलग चीज, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी
कैटेगरी को डिवाइड करना। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको इन ड्रिल्स को अपने नेट सेशन के अंदर ऐड करना। और ये आप कब करेंगे? जब कोई भी एकेडमी के अंदर ना हो। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान इन ड्रिल्स के ऊपर होना चाहिए। इनको आपको लिखना है और इनको आपने एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। आप कहीं पर पर्सनल प्रैक्टिस के लिए भी जा सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो रेंज हिटिंग है वो आपकी खुल जाएगी। जब आप इन ड्रिल्स को परफॉर्म करना शुरू करेंगे, इन पे ज्यादा से ज्यादा रिपीटेशन करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस एज ए बैट्समैन बढ़ जाएगा कि हाँ यार, मैं किसी भी कंडीशन में आप इस बॉल को हिट कर सकता हूँ अगर मुझे सिमिलर टाइप की बॉल मिलती है। आपको समझ में आ रहा है? मान के चलो कि आपने ड्राइव के बहुत रिपीटेशन कर लिए, तो अब आपको ड्राइव के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, कोई भी बॉलर अगर मेरे को अच्छी बॉल करता है, मुझे लगता है कि मैं ड्राइव मार सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसको मार सकता हूँ। आपको ये समझना है, आपको इतना प्रैक्टिस करना है उसका, तब जाके आप एक अटैकिंग बैट्समैन बनेंगे। ये एक लंबी गेम है, ये शॉर्ट गेम नहीं है, ये समय लेती है चीज़ें, ठीक है? तो आपने ये करना शुरू करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका रेंज खुलेगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अब आप चलते हैं प्रिपरेशन के थर्ड स्टेप पे, जो है कि अब आपको मैच सिमुलेशन की ट्रेनिंग करनी है। मैच सिमुलेशन क्या होता है? मान के चलो कि आप नेट पे बैटिंग कर रहे हो या आप ओपन नेट करते हो, आपको एक ओवर में 10 रन बनाने हैं। अपने दोस्त से चैलेंज करो, स्पिनर हो चाहे मीडियम पेसर, ठीक है? दो ओवर में आपको 20 रन बनाने हैं। अपने माइंड में फील्डिंग को इमेजिन करो और शॉट खेलना शुरू करो। वहां पर आपको क्या करना है, आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई एक ओवर में 10 रन मारने हैं या इस ओवर में 2 छक्के मारने हैं। कोई भी चैलेंज कर सकते हो, एक ओवर में 4 चौके मारने, एक ओवर में 3 चौके मारने, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप ऐसी ट्रेनिंग करोगे तो क्या होगा, आपका माइंड कंडीशन के हिसाब से ट्रेन करना शुरू कर देगा, क्योंकि ऐसी सेम कंडीशन मैच के अंदर भी आती है। आपको आ रही बात समझ में? तो जब आप ये प्रैक्टिस बाहर करेंगे, चाहे आप नेट पे करते हैं, चाहे आप ओपन ग्राउंड में करते हैं, चाहे आपके पास पर्सनल ट्रेनिंग का स्पेस है, कुछ भी है, आपको ये कंडीशन प्रैक्टिस करनी है अपने दोस्त के साथ, ठीक है? इसके लिए आपको अकेडमी जरूर जाना पड़ेगा, तभी आपके दोस्त बनेंगे, तभी आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि अब आपको कंडीशन का पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार, मेरे को ना अब इतने ओवर में इतने रन चाहिए, ठीक है? जैसे मैच कंडीशन होती है उसको समझो, और आसान हो जाएगा आपके लिए। मैच में ऐसा कई बार होगा जब आपको लगेगा कि यार, मैं रन नहीं निकाल पा रहा, मैं ब्लैंक होता जा रहा हूँ, उस समय आप कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाओगे एज अ बैट्समैन, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मैच में ऐसा बहुत बार होगा जब मैच फंसा हुआ और आपकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस कंडीशन में आप कैसे बैकअप करोगे, कैसे ट्रेनिंग करोगे, ये आपको उस कंडीशन प्रैक्टिस में सोचना है। यानी कि जो मैच में होगा, आप समझ रहे हो ना, जो मैच के अंदर होगा उसको सोचो कि मैच में कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं लंबे समय तक बैटिंग कर जाऊँ, रन कम बनाऊँ, उस कंडीशन में क्या करोगे। उन कंडीशन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको बाहर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, राइट? तो इसके लिए आप वीक में 2 सेशन लगा सकते हो, सुबह शाम मॉर्निंग के, कि आपको कंडीशन प्रैक्टिस करनी है, जिसको हम कहते हैं मैच सिमुलेशन। मैच के हिसाब से कंडीशन लो। मान के चलो कि आपने चैलेंज लिया 5 ओवर में 40 रन बनाने का, तो सोचो कि आप वो रन कहाँ कहाँ बना सकते हो, कौन से अग्रेसिव हिटिंग जो आपने पहले डेवलप करी थी एज अ बैट्समैन, उसको कहाँ का यूज कर सकते हो। तब जाके क्या होगा, आपका गेम फिल्टर होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप एक अटैकिंग बैट्समैन बनना शुरू हो जाएगा। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे जो मैंने आपको सब कुछ बताया, ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा समय लगेगा आपको, लेकिन जो भी मैंने आपको सब कुछ बताया, इसको जब आप अपने गेम के अंदर लाना शुरू कर दोगे, तो आपके अंदर धीरे धीरे चेंज आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप मैच को रीड करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे आप परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। लेकिन ये जब होगा, जो मैंने आपको बताया, आपको उस पर डेफिनेटली काम करना है एज अ बैट्समैन। अगर आज आप 16 साल के हैं, 17 साल के हैं, या आप 1-1.5 साल से क्रिकेट शुरू कर रहे हैं, और अभी से आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, इन द नेक्स्ट 1-1.5 साल या 2 साल के अंदर मैक्सिमम आपकी गेम चेंज हो सकती है। लेकिन आपको इस पे एक एक चीज जो मैंने बताया वो फॉलो करिए, डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट्स। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी आपने वीडियो सीखा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसके लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इसके साथ ही अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप अपने आप को प्रोफेशनली ट्रेन करना चाहते हैं मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, तो उसके लिए आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम भी चलता है, ऑफलाइन प्रोग्राम भी चलता है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे दिए गए लिंक पर, जो व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर आप क्लिक करें, वहाँ पर आप क्वेरी रेज कर सकते हैं और हमारी टीम से आपको कॉल आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।